हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये फ्लैश लाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लैश लाइट हमने खुद से बनाया है और काफी सस्ते रेट में बनाया है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन इसको परचेज करने जाएं तो काफी महंगा लग जाता है और काफी बजट फंस जाता है। तो इसको हमने खुद से बनाया है और कुछ चीज जो है जो हमको परचेज करना पड़ा है और क्या क्या मटेरियल इसके अंदर लगा है और कितना खर्चा आया है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। सॉफ्ट बॉक्स की तरह ये काम करता है, 12 वोल्ट से चलेगा। इसका जो केबल है यहाँ पर 12 वोल्ट का मैंने यहाँ पर लगाया है, इसको हम जला करके भी आपको दिखाएंगे कि इसका रोशनी कैसा है और फेस पे इसका रिफ्लेक्शन कैसा आता है। सारा कुछ हम एक्सपेरिमेंट करके आपको लाइव दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आपका खर्चा जो है वो बच जाए और आप अपने से खुद से अपने घर पे इसको भी बना सके। किस तरह बनाया है वो हम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके अंदर क्या क्या लगा है और कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप आइए यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या इसका यूज किया है। ये सबसे पहले तो हम इसको ये जो मटेरियल है कपड़ा का मटेरियल जो बैग वगैरह में जो लगता है वही मटेरियल है, और इसके साइड से जो ये सिलाई किया हुआ है तो इस तरह का सिलाई किया हुआ मुझे ऑनलाइन मिल गया था, क्योंकि हम इस यहाँ पे बनवाने गए तो वो लोग बोले कि नहीं बना पाएंगे, तो मुझे ऑनलाइन मिल गया इसका मटेरियल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर में इस तरह से चमकीला वाला लगा हुआ है ताकि जो है वो लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करके इधर से आउटपुट अच्छा दे सके। और दूसरा चीज की ये कपड़ा वाटर प्रूफ कपड़ा जो लगा हुआ है, बैग का कपड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पर व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है ताकि आपका जो लाइट है वो अच्छे से ग्लो हो सके और आपके फेस पे अच्छा रिफ्लेक्शन दे सके। तो इस तरह का दो का सेट आता है, तो सिंगल भी मिलता है और डबल भी मिलता है। तो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था, उस पे मुझे अचानक से दिख गया था तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम उसको लेकर के खुद से हम इसको बना ले और कम बजट में मेरा काम हो जाए। तो इसके अंदर ये सबसे पहले तो इसका कवर आपको परचेज कर लेना है ऑनलाइन, जो 4-5 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा, और अगर आप सिलवा सकते हैं तो इस तरह से आप सिलवा भी सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेटल का आपको दिख रहा है, एल्युमिनियम जैसा बॉडी दिख रहा है, तो ये मैंने एलईडी का पैनल लगाया हुआ है। ये लगभग 6 इंच का एलईडी पैनल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एलईडी पैनल लगा हुआ है। ये इसकी साइज की बात करें तो मैं आपको स्केल से आपको दिखा देता हूँ कि इसका कितना बड़ा साइज है। यहाँ पे आप स्केल देख सकते हैं, 6 इंच का अंदर इसका जो व्हाइट एरिया है ये 6 इंच का है इधर से है, और इधर से आपका 5.5 इंच, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन काफी अच्छा काम कर जाता है। मुझे फोटोग्राफी करना है, पासपोर्ट साइज फोटो खींचना था, इसके वजह से हमने इसको तैयार किया है। और सब्जेक्ट को हम यहाँ पे बैठा देते हैं और इसके बाद इस तरह से हम लाइट दिखा देते हैं, तो चेहरे पे काफी अच्छा से रिफ्लेक्शन होता है, इसका जो लाइट है काफी अच्छे से आता है। तो इसके अंदर हमने एलईडी पैनल यूज किया है 6 इंच का, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह का एलईडी पैनल हमने यूज किया है। और दूसरा चीज की इसके अंदर से 12 वोल्ट के लिए तार को जोड़ करके मैंने सोल्डिंग करके निकाल दिया है बाहर, और दोनों में से सेम वही प्रोसीजर किया है और दोनों को एक पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे जोड़ दिया है, और यहाँ पर एक कनेक्टर हमने निकाल दिया है ताकि कनेक्ट करने में आसानी हो जब भी हमको यूज करना रहे। अगर आपको रेगुलर यूज करना है कनेक्ट करके छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कनेक्टर लगाया क्योंकि हम कभी इसको लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, हटा देते हैं, तो इस तरह से। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे 12 वोल्ट का मैंने एडेप्टर के थ्रू मैंने 12 वोल्ट का ये केबल निकाल के रखा है, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट जल जाता है। अभी आप देखिए कितना अच्छा लाइट है, और मेरे फेस पे इसका रिफ्लेक्शन देखिए कैसा है, आप देख सकते हैं कि लाइट काफी अच्छा आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इससे काफी अच्छा आपको फोटोग्राफी होने वाला है या फिर वीडियोग्राफी करना है तो वो भी आपका काफी अच्छा से हो जाएगा। तो दोनों को दो साइड से आपको लगाना है इस तरह से, आप किसी भी तरह से सेट कर लेंगे आप अपने हिसाब से, आपके घर के हिसाब से। और मेरे फेस पे आप देखिए कितना अच्छा से लाइट आ रहा होगा चारों तरफ से, कहीं पे आपको शेडो बनता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, काफी कम बजट के अंदर। अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसका बजट की बात करें तो काफी कम बजट मुझे पड़ा है, 250 रुपया पड़ा है मुझे इस कवर का, जो कि दोनों कवर मुझे 250 रुपये में मिल गया फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। और दूसरा चीज की एलईडी का जो पैनल है ये 100 रुपये का एक एलईडी पैनल लगा है, तो मैंने दोनों में लगाया तो दोनों का 200 रुपये एलईडी पैनल का लग गया। और ये थोड़ा सा केबल लगा है 1 मीटर के आसपास, आपको तो अपने हिसाब से दूरी में अगर रखना है तो थोड़ा सा लंबा केबल लगाना होगा, और एक कनेक्टर लगा है जिसका रेट 15 रुपया है कनेक्टर का,
और एक अडेप्टर लगेगा 12 वोल्ट का, जो कि आप 100-150-200 रुपए में आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाना है। इसको उस एलईडी पैनल को हमने इसके अंदर डाल दिया है, और उसके बाद मतलब काफी चीज कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कवर है, एक एलईडी पैनल है। यहाँ पर हमने तार से इसको ऐसे रैप कर दिया है, मतलब बांध दिया है कि इसको मतलब ये जो एलईडी है वो इधर उधर ना हो, इसकी वजह से हमने बांध दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे इसको बनाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।